आज एक भक्त की बहुत ही सुंदर कथा आपको बताती हूँ। एक भक्त था, बहुत ही भजनानंदी भक्त था, बहुत ही सीधा था, किसानी करता था। एक बार एक संत जी के पास गया। संत जी से बोला, आप तो बड़े महात्मा हैं। तो मैं बोला वाला किसान हूँ, मुझे को समय मिलता नहीं अपनी खेती बाड़ी से, दिन भर खेत में ही निकल जाता है। हे संत जी, आप मुझे गुरु मंत्र दे दें जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। मैंने सुना है कृष्ण भगवान मेरे अति प्यारे हैं, लाडले हैं, बहुत ही न्यारे, तो राधा वल्लभ हैं, बहुत ही दयालु हैं, तो मैं अपनी खेती किसानी करता हूँ, प्रभु को पालू, ऐसा मुझको दिव्य मंत्र प्रदान करें। संत को, किसान भगवान को देखकर मन में दया आई, उनकी आपको द्वादश अक्षर का मंत्र दे दी। द्वादश अक्षर का मंत्र भगवान को दिया किसान भगवान को। किसान ने कही, भैया मैं तो भोला बाला हूँ, ये मंत्र बड़ा हो रहा है। तो फिर संत जी ने उनको आठ अक्षर का मंत्र दिया। आठ अक्षर का मंत्र भी किसान ने कही, ये तो बड़ा है महाराज, ये छोटो दे। उनने कही, तो तुम कुछ मत करो, कृष्ण चंद्र नाम ले दिया। अब किसान जाके कृष्ण चंद्र गुनगुनाता है। कैसे? फसल भरो कृष्ण चंद्र। अब तो गुरु मंत्र पाकर किसान बड़ा खुश। किसान हल जोतता जा रहा था और गा रहा था, कृष्ण चंद्र। बहुत देर हो गई, घरवाली आई खाना लेके। ओ सुनते हो, खाना खा लो। तो किसान ने मंत्र गुनगुनाते रहे, अब ये सारा कर दिया घरवाली, जा जाओ। और गाते रहे, कृष्ण चंद्र। घरवाली से बोला कि भैया मंत्र लिया है गुरु मंत्र, मैं ध्यान ना भूल जाऊं इसलिए गुनगुना रहा हूँ, खाना रख दो मैं खा लूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ठंडा हो जाएगा खाना, अभी नहीं। ठंडा हो जाएगा तो आप एक उपाय करो, अगर ठंडा हो रहा है तो खाना खा लो आप। तो उसकी किसान की घरवाली ने कही कि आपको जो मंत्र है वो मैं गुनगुनाऊंगी, बट ठीक है तो ध्यान नहीं भूलो, तो याद ना भूले, इसलिए घरवाली अब गुनगुना दिए, चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। भैया भोला भगत जो किसान के रूप में वो भोजन कर रहा है। अब घरवाली को सुबह की बात थी, गाय का बछड़ा कुछ घसीट ले गया हुआ। घरवाली के दिमाग में घर की सौ बातें घूम रही, उसने घसीटा चंद्र नाम रख दिया। अब कृष्ण चंद्र भूल गई, वो घसीटा चंद्र रटने लगी, घसीटा चंद्र। अब भैया किसान खाना खा कर आता है, घरवाली से पूछता है, मंत्र याद है ना? हाँ, ये घसीटा चंद्र बोला। किसान भी घसीटा चंद्र रटता है पूर्ण विश्वास से, उस मुरली मनोहर की दिव्य छवि को अंतरात्मा में बसा कर, जो सर पर मुकुट धारण किए हुए है, मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है, उस दर्शनधारी है
जो राधा वल्लभ है, दयालु है, कृपालु है, भक्तों की सुनने वाला है, जो गयंत्र को मोक्ष प्रदान कराने वाला है, पल पल में हर क्षण में अपने भक्त की दया दृष्टि रखता, अपने भक्त को काम क्रोध मोह से दूर करता है, वासना से दूर करता है, वासना में लगाता है, वो श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हुए वो कृष्ण चंद्र की जगह पूरे भाव से गलीटा चंद्र गा रहा है। भगवान वैकुंठ धाम से देख रहे हैं मेरा भक्त गलीटा चंद्र कह रहा है, और मन ही मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, छवि मेरी हृदय में रखा है लेकिन भले ही नाम दूसरा ले रहा है। लक्ष्मी से कहते मैं जा रहा हूं भक्त के पास, लक्ष्मी के भैया नाम अशुद्ध कर रहा है तुम्हारा महाराज, असुर नाम से कुछ नहीं है, सब भक्त के द्वारा ही प्रदान, तो मेरे को नाम, मैं तो गसीटाचंद नाम से प्रसन्न को बचपन में था, गुडवन चलता था घसीट घसीट के, तो मेरी मैयो कह देती थी ए घसीटे घसीट घसीटे के चलना है, तो भक्त का आज घसीटा राम कह दिया, गसीटाचंद कह दिया, चंद्र बन गए घसीटा चंद्र, बड़े प्रेम से बोले किसान घसीटा चंद्र, और घसीटा चंद्र बोल रहे अब का करे किसानों मस्ती में डोल रहे। तो फिर भैया क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने भक्ति स्वीकार करी, जो भक्त था उसको वैकुंठ धाम प्रदान किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही हम गलत मतलब जाप करें, जाप हमको हमेशा शुद्ध ही करना है, ये तो भक्तों की कहानियां हैं कि गलती से जाप हो गया तो भी एक अलग चीज है, लेकिन जाप को इतने शुद्ध ही करना है, ये तो भगवान का भाव है कि भगवान इसलिए प्रसन्न हुए कि उसके हृदय में भगवान की छवि थी, भगवान का स्मरण करता था कि जो पंख लगे हुए उनके मुकुट में राधा वल्लभ दयालु कृपालु सुदर्शन धारी, वही भगवान को मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। और कृष्णचंद्र से भगवान ने प्रसन्न हुए, भगवान का नाम बहुत ही प्यारा है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, कलयुग में नाम जप का बड़ा विशेष प्रभाव है, तो तमाम पूजा पाठ तुम पे बन नहीं है तो ठीक है, नहीं बन नहीं है तो आपको भगवान का स्मरण करते रहना। कैसे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे, गाओ भैया संग में, श्याम राधे श्याम 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 हरि हरि, राधे कृष्ण 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 हरि हरे, राधे श्याम 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 हरि हरि। दूसरे मनुष्यों के गुण और दोष देखने की वजह अपने अवगुणों को दूर करके अपने में ही गुणों की बढ़ोतरी करते रहें तो बड़े प्रसन्न रहेंगे। दुनिया दूसरों को देखकर दुखी रहती है, अपने आप की चिंता के लिए अपने आप को देखते जाएं, भगवान का भजन करते जाएं, जिसमें भी आपकी प्रीत है, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, लेकिन कहो तो सही जपो तो सही, प्रभु कहता है वही है सही, जो जब रहे तुम खा के दूध दही, या जो मिल जाए वही सही, यानी जो मिल जाए वही सही, यानी संतोषी जीवन होता है तो मुझे कहते जो मिल जाए वही सही। जाई विधि राखे राम तही विधि रहिए, यही विधि राखे श्याम तही विधि रहिए। प्यारे आपको समझ में आ गई होगी भक्त की ये कहानी है कि भाव से भगवान को जब पुकारा तो नाम शब्द उच्चारण भगवान सब भूल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन आपको शब्द उच्चारण में ध्यान रखना है कि हो सकता है उस भक्त पर प्रसन्न हो गए, हम पे हुए ना हुए, तो हम तो सही जपें, सबकी अलग अलग रीति है, घर में चार बच्चे होते एक विद्वान एक वैसा, और फिर बाद में घर में सब तरह के माता पिता का लाड़ किसी किसी को मिलता है किसी का नहीं, तो हम तो माता पिता के लाड़ के लिए हमको तो अच्छा बनना है, अर्ची में नंबर एक, भजन में नंबर एक, गायन में और ईमानदारी में सब, राधे राधे दोस्तों। और बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो भक्ति प्रद वीडियो अपन बना के जरूर मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए संतों को सुन के संतों के प्रवचनों को जान के उनके साथ बैठे के समय लेके जब ये वीडियो डालते हैं बड़े भाव से, और फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा करना, और हम भी कहते हैं जय श्री राम राधे राधे, आप भी वीडियो देख के शेयर करें और राधे राधे बोलें कमेंट में, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री मन्नारायण, हर हर महादेव।
सब संतन को प्रणाम, भक्तन को प्रणाम, जन जन को प्रणाम, माता बहनन को प्रणाम, जय श्री राम।